This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। इन दो इंडियन फोटो जर्नलिस्ट को मिला पुलित्जर अवार्ड। देखिए 11 मार्मिक फोटो। 102वें पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान पुलित्जर पुरस्कार हासिल करने वाले में दो भारतीय भी हैं, दिल्ली के दानिश सिद्दीकी और मुंबई के अदनान आबिदी को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। पहली फोटो म्यांमार के रखाइन प्रांत में जलकर राख हो चुके एक रोहिंग्या गांव की है। दानिश सिद्दीकी और अदनान आबिदी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते हैं। म्यांमार के रोहिंग्या विस्थापितों का हाल को मार्मिक ढंग से दुनिया के सामने लाने के लिए दोनों फोटोग्राफर्स को पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ये तस्वीर म्यांमार से बांग्लादेश पलायन करते रोहिंग्या मुसलमानों की है। रोहिंग्या मुसलमान और म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के बीच विवाद 1948 में म्यांमार के आज़ाद होने के बाद से ही चला आ रहा है, लेकिन पिछले साल रखाइन प्रांत में भड़के हिंसा के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से पलायन करना पड़ा था। इस तस्वीर में आप एक थकी हुई महिला को देख सकते हैं जो मदद की गुहार लगा रही है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बने एक रोहिंग्या शिविर की तस्वीर है जहाँ विस्थापित राशन लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस तस्वीर में म्यांमार सीमा में उड़ते धुएं के बीच रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार की सीमा पार कर बांग्लादेश में घुसे जाते देखे जा सकते हैं। अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले ये शरणार्थी कैसे खुद को बारिश से बचा रहे हैं ये तस्वीर दर्शाती है। अगस्त में म्यांमार सीमा पार करते हुए 7 साल के मोहम्मद शुएब के सीने पर गोली मारी गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे उनके पिता बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक मेडिकल शिविर के बाहर बेटे के इलाज के लिए खड़े हैं। ये तस्वीर है 11 महीने के अब्दुल अजीज की, जिसकी मौत तेज बुखार से खांसी से हुई है। 2012 में रखाइन में कुछ सुरक्षाकर्मियों की हत्या के बाद दंगा भड़क गए। तब से म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा जारी है। रोहिंग्या समुदाय बेहद गरीब है। बांग्लादेश ने भी भारी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रखा है। रोहिंग्या समुदाय 15वीं सदी के शुरुआती दशक में म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे। उन दिनों से इस जगह को अराकान के नाम से भी जाना जाता था।